तो दोस्तों आज का आपका भाई लेकर के एक बार फिर से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग न्यू ईयर के ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर के जो गाइस बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो गाइस के पहले हमने बहुत ही कमाल की न्यू ईयर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपने नहीं देखा तो लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। और हो सकता है गाइस ये हमारी न्यू ईयर की वीडियो लास्ट हो, क्योंकि गाइस ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है न्यू ईयर के ऊपर, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जो जो इफेक्ट यूज़ किया है ना बहुत से कमाल का होने लगा, और इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी। और गाइस हो सके कि मैं अपने मतलब कि ये जो आज का वीडियो होने वाला न्यू कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा होने वाला, और हो सकता है कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर अभी तक अपलोड नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो गाइस बने रहिए वीडियो में एंड तक। गाइस इस प्रीव्यू के लिए आपको लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, उसके बाद गाइस इसको कैसे क्रिएट करेंगे सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूं और बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। कौन सज भैया ओके सो दोस्तों सबसे पहले अपने अलर्ट मशीन को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ पर कैरेक्टर फेस देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको सॉम्बी मार्क्स इफेक्ट का न्यू ईयर का स्पेशल जो है प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो उसको सबसे पहले इसमें इंपोर्ट कर लेना। एंड गाइस इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आपको आना, इस प्रकार से सॉम्बी मार्क और शेक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि सीधा इसमें इंपोर्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस अगर इंपोर्ट करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी तो उसी नीचे मैंने एक वीडियो बना के रखा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऐसे माय वीडियो को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड गाइस इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपको बिट मार्क को ओपन कर देना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार के फिर देखने को मिल जाएगा, तो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। उससे पहले गाइस यहाँ पर आपको अपने गैलरी ओपन कर लेना, यहाँ पर जिस भी फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं सिंपली गाइस आपको क्या करना होगा, वो जो फोटो है आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पिक आर्ट्स पे चले जाना है। एंड गाइस पिक आर्ट्स पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर गाइस आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से स्टोरी साइज, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको स्टोरी साइज देखने को मिल जाए, तो इसको अपने अकॉर्डिंग फोटो को एडजस्ट करके इसको सेट कर लेना है, और सेव पे टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। सो गाइस इसी तरीके से आपको कम से कम 15 से 20 फोटो को कर लेना है। और गाइस यहाँ पर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है फिर से अगेन, और यहाँ पर आपको एक साइज देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट साइज, ठीक है, तो इसका भी आपको आगे जरूरत पड़ने वाला है, तो इस वाले साइज में भी आपको कम से कम 20 से 25 फोटो या फिर 10 फोटो को कम से कम कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है, फिर गाइस आपको ओपन कर लेना है अपना जो हाइलाइट मोशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर ओपन करने के बाद आपने को जो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फॉन्ट वगैरह भी ऐड करने होंगे तो वो आपको बताने वाले हैं, तो बीच पर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है, गाइस यहाँ पर आपको कुछ प्रकार से लेयर क्रिएट किए कि दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस सिंपली आपको ये जो ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और कलर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको स्टाइल आइकन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस आपको पी कार्ड्स में जो भी फोटो आपने भी कन्वर्ट किया होगा तो इसको हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने इस प्रकार से ऐड कर लिया, और नीचे जो आपका दिख रहा है सेकंड दूसरा कोई फोटो आप अटैच करेंगे तो यहाँ पर आप कलर पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर गाइस सेकंड कोई दूसरा फोटो आप अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे फोटो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं गाइस यहाँ पर कोई दूसरा फोटो अटैच कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, ठीक है। हम जब दो फोटो लगा लेंगे तो आपका डबल बीट के साथ ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा, ठीक है। अब गाइस इतना आपको करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फॉन्ट वगैरह भी मिलेंगे, तो उसको आपको ऐड कर लेना होगा। एंड गाइस इस पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख के आपको दे दिया हूँ, ठीक है। एंड गाइस इस पर क्लिक करना होगा, और एडिट ग्रुप पर क्लिक करना, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको दो थ्री डॉट लाइनिंग दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको इंपोर्ट फॉन्ट कर लेना होगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी फॉन्ट देखने मिल जाएगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है,
एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के दो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं। सिंपली यहाँ पर आपको फोटो अटैच करना है, यहाँ पर कोई भी साइज का सेट नहीं है, आप यहाँ पर कोई फोटो अटैच कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और गाइस मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे जाएंगे तो आप जहाँ फोटो रखेंगे उसको ओपन कर लीजिएगा। तो मैं गाइस इस फोटो को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और थंबनेल पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। और गाइस बच्चों आपको इस प्रकार से कट कर देना है, ओके। एंड गाइस कट करने के बाद यहाँ पर आप जो आपको इस प्रकार से फोटो को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर नीचे आप आएंगे इसको करके तो यहाँ पर आपको एक जो येलो कलर का लाइन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फोटो को अटैच करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है गाइस। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ पर कहाँ से अटैच इफेक्ट को ऐड करना है। सबसे पहले बैक करके सर्टिफिकेट में आ जाना है। गाइस यहाँ पर आप जो आपको पहला इफेक्ट दिखा दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर थर्ड पे क्लियर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और गाइस बैक करके आपको अपना जो बीट मार्क इसको इजीली ओपन कर देना होगा, ओके। एंड गाइस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। गाइस यहाँ पर हम सिंपली इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना होगा, पहले सबसे पहले थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। और गाइस जहाँ तक आपको बीच में बीट दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ पर जो आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको ये 2023 इस प्रकार से बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको यहां तक क्लिक करना है, सिंपली मीडिया पर जाना है और फोटो पे जो भी आप अटैच कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस सिंपली जो मैंने इफेक्ट अभी पेस्ट किया था यही इफेक्ट लगेगा, बट यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रो आपको दिख रहा है इसको आपको ऑफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं और गाइस स्क्रॉल कर जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब गाइस इसको आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको जो इलेक्ट्रो दिख रहा है इसको क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है और इस पर क्लिक करके आपको जो बिल्डिंग आपसे दिख रहा है इसको थोड़ा सा आपको माइनस में कर देना होगा। एंड गाइस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के आपका जो नेक्स्ट येलो बीट आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको जो है फोटो को अटैच करना है। एंड गाइस फोटो अटैच करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 2023 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको सबसे पहले ऊपर में आपको इस प्रकार से कर देना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से जो आपको बीट दिखाई दे रहा है इस बीट के अकॉर्डिंग आपको सभी जगह पर अटैच कर लेना होगा। एंड गाइस अटैच करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस क्लिक करके आपको फोटो को अटैच करना है, ठीक है। तब अगर हम थर्ड पे क्लिक कर लेते हैं और थर्ड पे क्लिक से फुल स्क्रीन कर देते हैं और नेक्स्ट बीट पर आने के बाद बच्चों भाग किस प्रकार से कट कर देते हैं, ठीक है। गाइस कट करने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो जहाँ तक हमारा येलो कलर का मार्क जा रहा है वहाँ तक हमारा इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपली बैक करके हम सेकंड इफेक्ट में आ जाएंगे और गाइस यहाँ पर हमारा जो सेकंड इफेक्ट है हम इसको क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस कॉपी इफेक्ट के बाद जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना है। गाइस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड गाइस आपको जो नेक्स्ट बीट छोड़ा सिंपली इस पर क्लिक करके फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना होगा। एंड गाइस जो ये आपको येलो कलर का मार्क दिखाई दे रहा है सिंपली ऊपर में आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। एंड गाइस ऊपर में आपको करने के बाद आपको अब जब नीचे आएंगे ना तो आपको सॉरी ये जो आपका येलो कलर का मार्क दिखाई दे रहा है ये तीनों को आपको ऊपर करना होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर में आपको इसको करना है, फिर आपको जो 2023 लिखा है ये भी करना है और गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये आपका शैडो बना हुआ है इसको भी आपको ऊपर करना है, ठीक है। तो ये गाइस जो आपका लेटर लिखा हुआ है इसको ऊपर में रहेगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि बहुत यूनिक लग रहा है। अब गाइस जो ईयर है इसको ऊपर कर देते तब और अच्छा लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। और गाइस ये जो इफेक्ट है फोटो के साथ आपको यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपका येलो कलर का ये मार्क जा रहा है सिंपली गाइस ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से आपका येलो कलर का मार्क जा रहा है, नीचे आपका जो ये लिखा हुआ है ना सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये वाला इफेक्ट लगेगा। तो हम गाइस फोटो पे क्लिक करके इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ से हमारा नेक्स्ट इफेक्ट दूसरा इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपको नीचे यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है और गाइस इस पर कलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस मैं लिखा भी हूँ कि 4.5 का साइज लगेगा तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, कलर पर क्लिक करना है, इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर मैंने बहुत सारे फोटो जो है इस प्रकार से करके रखे हैं जो कि ये वही साइज है, ठीक है। तो गाइस मेरे यहाँ पर जो है 4.5 यानी जो पोर्ट्रेट साइज है वही फोटो यहाँ पर लगेगा। तो ये कुछ प्रकार से ऐड हो गया है। फिर आपको गाइस स्क्रॉल करके आगे जाना है। आगे जाने के बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो येलो कलर का जो ये बीट है ये बीट हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हमारा इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर सेकंड कोई फोटो अटैच करना है किसी भी साइज का। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। एंड गाइस इस पे इफेक्ट कौन सा लगाना है, सबसे पहले गाइस पैक करके आ जाते हैं सेक इफेक्ट में। एंड गाइस हमने पहला इफेक्ट लगा लिया और दूसरा भी लगा लिया और ये तीसरा जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करें, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस जो आपका बीट मार्क इसको इजीली ओपन कर देना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इस इफेक्ट के बाद
पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसी फील्ड के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो लोगों का मार्क है, यहाँ पर तीसरा ये फील्ड लगेगा, टाइमिंग भी देख सकते हैं। सिंपली फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस ये जो इफेक्ट है सिंपली यहाँ से ले करके जहाँ तक येलो कलर का ये मार्क आपका जाएगा सिंपली यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका ये लगेगा। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और ये कुछ इस प्रकार से आपको फोटो पे क्लिक करना है, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, नेक्स्ट स्पीड पर आएंगे तो आपको इस प्रकार से कट कर देना है। अब गाइस वही इफेक्ट यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पर इस इफेक्ट को लगाने के बाद स्क्रॉल का जब आप आगे जाएंगे तो ये कुछ प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4.5 साइज का फोटो अटैच होगा, तो सिंपली गाइस हम इस पर क्लिक करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर आप क्लिक करना है और ब्लू कलर पर यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है, चलो एक नंबर क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर आप जो भी फोटो अपलाउन से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो फोटो जो फोटो का साइज रहेगा वही फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो फोटो हम लगाने वाले हैं उसको हम यहाँ पर ढूंढ लेते, जो भी आप फोटो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस फोटो को लेता हूँ, प्लस पर क्लिक करके ऐड करता हूँ। ये भी अगर पोर्ट्रेट साइज यानी मतलब 4.5 का ही साइज है, ठीक है। एंड गाइस को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं न्यू ईयर हमारा जो धुलधुला दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको कुछ बस ध्यान थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो ये न्यू लिखा हुआ है इसको आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको ऊपर कर देना है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ प्रकार के आपका देखिए डार्क हो गया, ठीक है। एंड गाइस इतना आपको हो जाने के बाद आपको सिंपली जो फोटो के इफेक्ट लगा देंगे, फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पर अभी आपको लिखा हुआ है 4.5 साइज ही अटैच करना है, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको इस आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का मार्क, इस पर क्लिक करना होगा और गाइस यहाँ पर क्लिक करके कलर पे क्लिक करके आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा। तो जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करके फोटो को इस प्रकार से अटैच कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस ये कुछ प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, फिर आपको स्क्रॉल करके गाइस आगे जाना है। एंड गाइस आगे जाने के बाद आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार का ये एनिमेशन, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट लगेगा आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया बजाना है, यहाँ पर कोई भी साइज का फोटो अटैच कर सकते हैं। तो हम गाइस इस पे फोटो को अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर बचो भाग को इस प्रकार से कट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस पैक करके आपको अपने सेक इफेक्ट में आ जाना होगा ये कुछ इस प्रकार से। और गाइस यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंपली ये वाला इफेक्ट देखो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा और आपका जो बीट मार्क इजीली इसको ओपन कर देना है। एंड गाइस ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, आपको देखने को मिल जाएगा ये फोटो, ठीक है, 20 सेकेंड पर। तो इसको क्लिक करके कॉपी फेट कर लेना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। एंड गाइस सारा आपको फोटो वगैरह अटैच करने के बाद आपको बताऊंगा आगे जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो गाइस आपको नेक्स्ट बीट पर आना है और गाइस यहाँ पर आपको जो इस प्रकार का एनिमेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको फोटो अटैच करना है जो कि गाइस पोर्ट्रेट साइज का रहना चाहिए। यहाँ पर गाइस मैंने ब्लू कलर के जो मार्क इस प्रकार से मैंने करके रखे हैं, तो ये जो ब्लू कलर का मार्क दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक कर देना और इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है। और गाइस फोटो पे क्लिक करके इस प्रकार जो आपका साइज रहेगा वो गाइस पोर्ट्रेट साइज रहेगा। तो यहाँ पर हम फोटो पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर दिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपका गाइस पोर्ट्रेट साइज ही रहेगा। तो आप यहाँ पर कोई भी फोटो अटैच करके इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो फोटो यहाँ पर अटैच कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा भी दिया, ठीक है। कुछ प्रकार से आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही कमाल लग रहा है। एनिमेशन के साथ आप वीडियो क्रिएट करेंगे तो बहुत ही औसम लगने वाला है। फिर गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ये ब्लू कलर के मार्क दिख रहे हैं यहाँ पर भी आपको बोल चुकी वही साइज रखना है। यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ पर जैसे 4.5 साइज है यानी कि पोर्ट्रेट साइज, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से फोटो को अटैच करके इसमें अटैच कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस अटैच करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। गाइस यहाँ आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको बीट खाली खाली दिखेंगे, तो सिंपली गाइस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आप जो भी फोटो अपलोड करना चाहे आप लगा सकते हैं। सिंपली आपको पोर्ट्रेट में जाना है और यहाँ पर आपको फोटो को अटैच करना है, तो यहाँ पर अटैच कर लेते हैं इस प्रकार से फुल स्क्रीन को कर देते हैं। गाइस पर लास्ट इफेक्ट जो लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बैक करके सेक इफेक्ट में आता है और गाइस लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ये कुछ इस प्रकार से ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करके कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेते हैं और आपका जो बीट मार्क है इसको इस प्रकार से इजीली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस बीट मार्क ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे चले जाना है जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से लेकर के आपको जो ये एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। अब गाइस ये इफेक्ट पूरा लास्ट तक आपका लगने वाला है, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं आपका 2023 हो गया, न्यू ईयर हो गया, आपका ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इसको कैसे सही करेंगे, सबसे पहले गाइस सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2023 वगैरह लिखा हुआ है, सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो न्यू आपका धुलधुला है सिंपली इस पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल करके ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। ये कुछ प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ईयर भी ब्लर दिखाई दे रहा है, तो आपको ईयर को भी पकड़ के रखना है और ऊपर में आपको ले जाकर छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ईयर लिखा हुआ है इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये कुछ प्रकार से हो जाएगा। फिर आप गाइस स्क्रॉल करके आगे जाना है, यहाँ पर आपको 2023 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आपको क्लिक करना है
और इसको भी आपको ऊपर कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो सारा आपका वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट और लेयर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेटिंग बार में बॉक्स पर क्लिक करना होगा, ये बहुत आसान से आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगा।